आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द रियल कश्मीर न्यूज पे प्राइड ऑफ कश्मीर प्रोग्राम और मैं हूँ फायका जावेद। नाजरीन, जैसा कि आप सब इस बात से वाकिफ है कि कश्मीर में हुनर मौजूद है ही है, चाहे वो किसी भी कोने की बात की जाए, किसी भी फील्ड की बात की जाए, कश्मीर में हर एक टैलेंट लोगों में कूट कूट के भरा है। तो नाजरीन, इसी सिलसिले में हम आज आपको रूबरू कराएंगे हरिभा चौधरी से, जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। आपको बताते चले कि वैली की फर्स्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट है ये, तो काफी फख्र की बात है पूरे कश्मीर के लिए। तो नाजरीन, मजीद जानकारी जानेंगे इनके कैरियर के बारे में इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करती हूँ मैं अपनी चैनल द रियल कश्मीर न्यूज पे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हरिभा, आपसे पहला सवाल रहेगा, आप एक वैली की फर्स्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो, अगर हम देकर लोगों की बात करें, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, उनका बहुत मतलब अलग अलग पैशन होता है। कोई डांसर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है। आजकल लोग इसी इन्हीं चीजों के पीछे लगे हैं, तो आपने कॉस्मेटोलॉजी यही क्यों चुना? आपको क्या लगा इसमें कि आपने इसी में अपना कैरियर स्टार्ट किया? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस इंसान का जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो उसको वहीं जाना चाहिए। सो मेरा इंटरेस्ट इसमें था कि जहाँ पे भी कोई फैशन की बात आती थी, जहाँ पे भी कोई मॉडलिंग की बात आती थी, जहाँ पे भी कोई ऐसी इंडस्ट्री आती थी जहाँ पे खुद को संवारना या किसी और को उसकी ब्यूटी को एनहांस करना, ये वाली चीज़ें जब आती थी, तो मेरा वो हमेशा रहता था कि मैं इस फील्ड में चली जाऊँ कि जहाँ पे मैं लोगों की ब्यूटी एनहांस कर सकूँ। बट ये था कि मुझे ये फील्ड इसलिए चूज़ करना था और मैंने ये फील्ड इसलिए चूज़ किया और क्योंकि इट वाज लाइक माय पैशन, मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग अट्रैक्ट हो जाती थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैं जो भी चीज़ सीखना चाहती थी, दैट वाज कि मैं प्रोफेशनली ये चीज़ सीखूँ, ना कि कहीं पे काम करके ये चीज़ सीखूँ। सो प्रॉपर एकेडमी से सीख के देन आई केम हेयर एंड यहाँ पे मैंने अपना जो भी जर्नी है वो मैंने स्टार्ट की। तो अगर बात करें, आपने अभी भी बोला कि आपने कोर्स लिया है, आपने कहीं एकेडमी से प्रॉपर ट्रेनिंग ली है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपने ये कोर्स कहाँ से किया और कौन कौन सी चीज़ें इसमें मतलब रिक्वायर्ड कौन कौन सी चीज़ें हैं? जी, मैंने अपना कोर्स फ्रॉम क्रिस्टीन वेलमी इंटरनेशनल एकेडमी से किया है, लैक्मे एकेडमी से किया है। इट्स ए कॉस्मेटोलॉजी कोर्स। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि फ्रॉम या तो कोई मेकअप की फील्ड में जाता है, या तो कोई हेयर स्टाइलिस्ट की फील्ड में जाता है, या तो कोई ब्यूटी की फील्ड में जाता है, बट मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा फील्ड चूज करूँ जहाँ से हेड टू टो मुझे सब कुछ पता हो, ऐसा कुछ भी ना हो कि जो मेरी इल्मियत में ना हो। सो आई चूज माई प्रोफेशन एज कॉस्मेटोलॉजिस्ट, जहाँ पे एक सलोन में जितनी भी सारी चीजें नीडेड है, जितनी भी आपको नॉलेज नीडेड है, आई गेन्ड ऑल दैट नॉलेज। देखिए, अगर बात करें एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट, आप बहुत सारे इश्यूज से डील करते हैं, चाहे वो हेयर इश्यूज हो, स्किन प्रॉब्लम्स हो, आप बहुत सारी चीज़ों से डील करते हैं। तो आपको क्या लगता है, एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट ऐसी कौन सी चार सैनिटाइजेशन इश्यूज हैं जिनको आपको मतलब यू मस्ट नीड टू रिमेम्बर? देखिए, ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपके क्लाइंट्स कंटिन्यूस आते रहते हैं और एक टूल से दूसरे टूल तक कहीं भी इन्फेक्शन आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, ताकि जितने भी जर्म्स एक जो क्लाइंट है आपका, उसके जर्म्स आपके दूसरे क्लाइंट तक ना ट्रांसफ़र हो। सो स्टरलाइजेशन, सैनिटाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड, क्योंकि जब आप मेकअप के लिए जाते हैं तो आप वही ब्रश एक क्लाइंट पर भी यूज़ करते हैं, दूसरे क्लाइंट पे भी यूज करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बीच में आप अपने टूल जो है स्टरलाइज या सैनिटाइज करना, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर बात करें कॉस्मेटोलॉजी की, तो आप एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप किस वे में इस प्रोफेशन को देखती है? क्या ये आप एज ए पार्ट टाइम कर रहे हो या फिर आप इसमें अपना फ्यूचर देख रहे हो? नो, इट्स डेफिनेटली माय फ्यूचर, इट्स डेफिनेटली आई लव माय वर्क। इंसान का फील्ड जो भी हो, इट्स लाइक यू हैव टू लव योर वर्क, तभी आप अपने फील्ड में आके जा सकते हैं। सो आई एम लविंग माय वर्क एंड अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी आज तक मैंने अचीव किया है, इट्स लाइक कि मुझे खुद पे काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो रहा है इस चीज़ के रिलेटेड कि मैं कश्मीर की पहली कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। मैंने कुछ अलग इनिशिएट लिया है इस चीज़ के लिए। सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने किसी चीज़ का इनिशिएटिव लिया है। और मैं लोगों से भी ये चीज़ कहती हूँ कि जिसमें उनका इंटरेस्ट हो उनको वही करना चाहिए।
वट एवर द फील्ड इज, जिसमें उनको सेटिस्फेक्शन मिले, जिसमें उनको खुशी मिले, उस फील्ड में उनको स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए. देखिए कॉस्मेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप चाहे हेयर की बात करो, स्किन की बात करो, नेल्स की बात करो, हर चीज़, मतलब हर चीज़ में आप की इल्मियत होगी. तो हमारे नाज़रीन में कुछ ऐसी भी लेडीज़ बैठी होगी, ऐसी भी फीमेल्स बैठी होंगी जो कि अपने ब्यूटी वो मतलब मेकअप के दौरान वो कुछ गलत चीज़ें, मतलब वो कुछ गलत तरीके से वो मेकअप करती होंगी, तो आपके लिए उनकी कुछ ब्यूटी टिप्स आप उनको कुछ देना चाहोगे? जी, मेकअप में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इज़ योर प्राइमर, क्योंकि क्या होता है लोग मेकअप करते हैं उसके बाद उनके पोस्ट एक्ने आ जाते हैं या ड्राइनेस हो जाती है, काफी स्किन इश्यूज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर यूज करें, अपने स्किन के हिसाब से प्राइमर यूज करें, अपने स्किन के हिसाब से प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं बहुत ऑयली होते हैं, वो ड्राई स्किन के लिए होते हैं, एंड बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑयल बेस्ड होते हैं और वो ड्राई स्किन के लिए होते हैं. सो जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स आर फॉर ऑयली स्किन. इन शॉर्ट, वाटर कट्स ऑयल, ऑयल कट्स वाटर, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एवरीथिंग. अगर किसी का ऑयली स्किन है तो वो बिल्कुल भी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स ना यूज करें. अगर किसी का ड्राई स्किन है तो वो जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स या पोर मिनिमाइजिंग प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी यूज ना करें. देखिए अब बात करेंगे, आपने बहुत अच्छी चीजें बोली, इनफैक्ट उन लोगों को भी काम आएंगी आगे. तो अगर आप बात करेंगे कॉस्मेटोलॉजी के फील्ड में, आप कई सालों से हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में? पहले तो मैं जब बाहर से सीख के आई, उसके बाद मैंने मतलब उसके अचानक से अपना सलून स्टार्ट नहीं किया. पहले मैं ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि पहले मैं एज एम्प्लॉय काम करूं, पहले मैं देखूं कि मतलब मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है जब आप अपना एक बिजनेस सेट करते हैं. उससे पहले आपको बहुत एक्सपीरियंस गेन इस चीज़ के लिए करना पड़ता है ताकि आप पहले खुद एम्प्लॉय होके देखें उसमें क्या आपको बीच में कितने बैरियर्स आते हैं, ताकि कल को जो आपके एम्प्लॉयज हो आप उनके साथ कुछ गलत ना करें. और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लॉट ऑफ एक्सपीरियंस गेन करके अपना एक बिजनेस सेटअप करें. सो मेरा वही था कि मैंने एक ब्रांड में काम किया, एज हेड मैंने वहाँ पे काम किया, और जो वहाँ पे बाहर के वर्कर्स थे उनका भी लाइक आई वॉज देयर हेड एज वेल. और जहाँ जो भी बाहर के ट्रेनर्स आते थे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देने के लिए, कुछ भी हो तो मुझे आगे करते थे, बिकॉज आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज रादर देन जो बाहर से आते थे. देखिए आपने अभी बात की कि आपने बहुत सारी जगहों पे काम किया है, तो क्या लगता है आपको कि टीम वर्क ज़रूरी है या फिर इंसान इस कॉस्मेटोलॉजी के, चाहे भी वट एवर आप सैलून खोलो या फिर कोई भी बिजनेस खोलो, तो क्या लगता है आपको टीम वर्क मस्ट है या फिर आप ये इंडिविजुअली आप ये सेटअप कर सकते हो? नहीं, टीम वर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप इंडिविजुअली सब हैंडल नहीं कर सकते. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो भी लाइक यहाँ पे क्या होता है, लोग बिजनेस सेटअप करते हैं तो उनका उसका ABC भी नहीं पता होता, वो बुटीक खोल लेते हैं, सैलून खोल लेते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पहले आपको खुद पता होना चाहिए ताकि आप कल को उनको बोल सको कि नहीं यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर सको ताकि जो भी क्लाइंट्स कल को आए आप उनको खुद उस चीज़ की नॉलेज दे सको. जब वो देखेंगे कि जो यहाँ का ओनर है या जो भी यहाँ का हेड है, जब उसको इतनी नॉलेज होगी ऑब्वियसली उसके स्टाफ को कितनी नॉलेज होगी. सो इट्स बेटर कि पहले आप खुद को अच्छे से ट्रेन करें, खुद सीखें, उसके बाद आप कोई इनिशिएट करें किसी बिजनेस का या जो भी आपको करना. देखिए अगर बात करेंगे आपके कॉस्मेटोलॉजी के हवाले से, तो आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थिंग, मतलब व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग दैट यू एवर फेस्ड इन दिस फील्ड? मुझे एज सच कोई भी चैलेंज, बिकॉज जब आप में वो जज्बा होता है, हिम्मत होती है कुछ करने की, मुझे नहीं लगता. और चैलेंज से मुझे लगता है इंसान सीख ही लेता है बहुत सारी चीज़ें, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको चैलेंज मिले ताकि आप वो उभर के आ जाए उस चैलेंज को पूरा करके भी. सो मुझे ऐसा नहीं लगता. और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप लाइक ब्लिंक आप करोगे और इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत सारी चेंज आई होगी. सो यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ एज वेल, इसमें आपको बहुत अपडेट खुद को करना पड़ता है. तो अगर बात करें कहीं बहुत सारे लोग, अगर पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, तो स्पेशली कश्मीर में जो है लड़कियों को काम करने नहीं दिया जाता था. इवन आज भी कुछ घराने ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो कोई भी काम करने से उनको अलाउ नहीं किया जाता है. तो अगर आज की बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि इस फील्ड में स्कोप है क्या, इस ये इट्स अ बेटर वे टू अर्न समथिंग? यस, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स वेरी बेटर वे टू अर्न. और मतलब इट्स नॉट कि आपको सिर्फ
पैसों की तरफ जाना है, इट्स लाइक कि आपका पैशन क्या है, आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, चाहे वो सलोन हो, चाहे वो बुटीक हो या कोई भी ऐसा काम हो. जब तक आपका पैशन नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे. मतलब ज़बरदस्ती आपको किसी भी फील्ड में नहीं जाना है. सो इट्स अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपका अर्निंग भी बहुत अच्छा होता है और इसमें आपका नाम भी बनेगा अगर आप ये प्रोफेशनली करें. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ पार्लर एंड अ सैलून एंड पीपल शुड नो दिस दैट इन अ पार्लर नो वन कैन ट्रीट यू, बट इन आपको फ्रॉम हेड टू टो आपको हर कोई ट्रीटमेंट मिलेगा. आज चाहे आपका एक्ने प्रॉन स्किन हो, चाहे आपका ड्राई स्किन हो, चाहे आपको नेल्स के रिलेटेड इश्यू हो, हेयर के रिलेटेड, आपको हर कोई लाइक ट्रीटमेंट आपको वहां पे मिल जाएगा. आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखिए अगर बात करेंगे आपकी, मतलब आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप इस वक्त बहुत अच्छी फील्ड में हो, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है जिससे आप इंस्पायर हुए होंगे, जिस जो जो आपका रोल मॉडल होगा उस टाइम पे कि नहीं मुझे इसी के जैसे बनना है? मतलब कौन सा ऐसा ब्यूटिशियन कॉस्मेटोलॉजिस्ट था जिससे आप इंस्पायर हो गए होंगे? सी अभी कश्मीर में तो उस टाइम पे ये कोई फील्ड नहीं था क्योंकि बाहर से ही लोग आते थे, वही यहाँ पे एज मेकअप आर्टिस्ट आते थे या एज कॉस्मेटोलॉजिस्ट आते थे. जिस टाइम पे मैंने ये चीज चूज की उस टाइम पे यहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं था कि कॉस्मेटोलॉजी भी कोई चीज होती है. सो जब मैं बाहर एज मेकअप आर्टिस्ट मेकअप सीखने ही गई थी, बट जब मैंने वहां पे देखा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे यू कैन डू वंडर्स, सो व्हाई नॉट टू जस्ट, आप क्यों नहीं, हम क्यों ना ऐसा करें कि हम पूरे तरीके से इस फील्ड में आ जाए, हम इसको भी एक ऐसा फील्ड बना सकते. सी डर्मेटोलॉजिस्ट वो डॉक्टर्स हैं एंड वी आर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, वो डेप्थ तक आपको ट्रीट कर सकते हैं, हम स्किन के एक दो लेयर्स में आपको ट्रीट कर सकते हैं. सो देयर इज नॉट लाइक उतना भी बड़ा डिफरेंस. पहले डर्मेटोलॉजिस्ट क्या थे, वो ये मशीन्स यूज करते थे, बट नाउ एज कॉस्मेटोलॉजिस्ट हम भी कुछ मशीन्स बहुत काफी हद तक यूज कर सकते हैं, उनकी नॉलेज गेन करके वो यूज कर सकते हैं. सो इट्स लाइक ए वास्ट इंडस्ट्री. अगर बात करें आपके लाइफ गोल्स के बारे में, तो आपको क्या इस टाइम पे आप अपने आप को मतलब कहाँ देखती है, आपके लाइफ गोल्स क्या है, आप क्या फ्यूचर प्लान्स क्या है, आगे आप क्या करना चाहोगे? सो माय फ्यूचर प्लान्स आर कि मैं अपना एक नाम बनाना चाहती हूँ, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मेरा बन चुका है इन सालों में. तो इट्स लाइक आई हैव टू क्रिएट माई ओन ब्रांड, माई एम इज दैट. पहले तो मैंने काफी टाइम जॉब की एक्सपीरियंस के लिए, नाउ आई हैव माई ओन सैलून, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी. तो आगे मैं एक खुद का एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ, दैट्स माई अचीव. सो आखिर पर हमारे यूथ के लिए, हमारी जितनी भी आप देख सकते हो कि गर्ल्स माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रही है डिफरेंट फील्ड्स में, अगर आप ही की बात की जाए तो आपने भी बहुत कुछ अचीव किया, इट्स अ बिग थिंग फॉर कश्मीर. तो आपकी लास्ट मैसेज क्या रहेगी हमारे फीमेल यूथ के लिए? मेरी लास्ट मैसेज, फर्स्ट एंड लास्ट मैसेज ये रहेगी जो मैं हर इंटरव्यू में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कहती रहती हूँ. मैं यूथ को भी कहती हूँ कि जिस फील्ड में आप जाना चाहो आप जा सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैरियर्स भी आएंगे, बट आई डोंट थिंक कि आपको उस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए. आपको बस अपना एक गोल सेट करना है और वहाँ पे लाइक जितने भी आपको बैरियर्स आएंगे उस चीज को जब आप पार करेंगे फिर आप वहां पहुंचेंगे, तो आपकी खुशी की लेवल ही कुछ अलग होगी. तो इट्स लाइक कि कहीं किसी का ना सुने, जो आपके जो आप बनना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप जाएं. और पेरेंट्स से भी ये चीज आई रिक्वेस्ट टू देम कि जहां पे आपके बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको जाने दे, उनको अपने फील्ड में आप लाइक एक्सप्लोर करने दे खुद को. इट्स लाइक माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन. चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर प्रोग्राम एंड हम दुआ करेंगे आगे कि आपको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले. और बहुत सारी बातें ऐसी भी थी जिनसे हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी कहीं ना कहीं, तो थैंक यू सो मच. तो नाज़रीन क्या कुछ इन्होंने इस इंटरव्यू में बोला आपने देख ही लिया होगा, जान ही लिया होगा. कराते हैं आपकी मुलाकात अगले इंटरव्यू में ऐसी एक हुनरमंद शख्सियत से. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.